हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एक है क्षमता में। आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर हल्दी में कीड़े पड़ जाएँ और हल्दी ख़राब जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किचन में बहुत तरह के मसाले होते हैं और हल्दी ऐसा मसाला है जिसका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है, क्योंकि हल्दी न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करती है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इसलिए महिलाएं किचन में कई दिनों तक हल्दी स्टोर कर रख लेती हैं, लेकिन बरसात में हल्दी को स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस मौसम में वायु में नमी होती है जिसकी वजह से सूखी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और साथ ही उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। ऐसे में बरसात में हल्दी पाउडर को स्टोर करना एक बड़ा टास्क होता है। लेकिन अगर आपके हल्दी में कीड़े पड़ गए हैं तो उसके लिए आपको बस एक चाय की छन्नी लेना है और चाय की छन्नी से आप जो हल्दी है पाउडर है उसे आप अच्छे से छान लें। इससे कीड़े जो है उसके छन्नी के जो छिद्र होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो कीड़े उसमें से निकल नहीं पाते हैं और जो आपका हल्दी पाउडर है वो सेफली एक किनारे निकल जाएगा और कीड़े अलग निकल जाएंगे। तो इससे आप कीड़े को बहुत ही सरलता से निकाल सकती हैं। कि आप हल्दी को स्टोर करते वक्त इसमें तेज़पत्ता भी रखें, इसकी खुशबू से हल्दी में कीड़े नहीं लगेंगे। आप हल्दी को स्टोर करते वक्त लौंग भी रख सकते हैं, इससे भी हल्दी ख़राब नहीं होगी। हल्दी में कीड़े पड़ गए हैं तो उसके लिए आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस टिप को अपनाने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हल्दी पाउडर के डिब्बे को खोलकर नीम के पत्तों को उसमें डालना है। पत्ती डालने के बाद आप इसे कुछ देर के लिए खुला छोड़ दें और आप देखेंगे कि नीम के इस्तेमाल से उसके स्मेल से आपके जो कीड़े हैं वो दूर भाग जाएंगे और हल्दी पूरी तरह से आपकी साफ़ हो जाएगी। आप हल्दी को तेज़ धूप में रखें। आप हल्दी पाउडर में कीड़े भगाने के लिए डिब्बे को कुछ देर के लिए तेज धूप में रख सकती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हल्दी पाउडर से नमी दूर रहे और आपकी हल्दी जल्दी ख़राब ना हो और लंबे समय तक चले, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक आप अच्छे एयर टाइट डिब्बे में हल्दी पाउडर को स्टोर करें। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।